तो यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बीसीए के लिए जो जावा की अपनी सीरीज है वो स्टार्ट कर चुके हैं और जावा में हमने बेसिक अभी जावा प्रोग्रामिंग, अभी प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जावा के फीचर्स क्या हैं और जावा के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो हम पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो सारे फीचर्स होते हैं, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, सारे फीचर्स पढ़ लिए थे। अब हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब प्रोग्रामिंग में हम स्टार्ट एंटर करेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग जो है उसकी वर्ल्ड में जाएंगे। पहला जावा प्रोग्राम हम एक देखेंगे, एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम। और वो जावा प्रोग्राम करेगा क्या, करेगा क्या, यहाँ पे टू प्रिंट, सिंपल क्या करना है, टू प्रिंट मैसेज, एक स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, वेलकम। क्या प्रिंट करेगा ये जो हमारा प्रोग्राम है, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से अच्छा हम अगर और मजेदार इसको थोड़ा लिखना चाहें तो वेलकम टू जावा वर्ल्ड, मतलब जावा के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप जावा के वर्ल्ड में, जो जावा प्रोग्रामिंग है उसकी वर्ल्ड में आप ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं। ये प्रिंट करेगा मैसेज, एक सिंपल सा प्रोग्राम रहेगा जो कि ये मैसेज प्रिंट करेगा, जिसका काम यही रहेगा कि वो ये मैसेज को प्रिंट करे। चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं छोटा सा प्रोग्राम। अभी हम इसे, अभी आपको एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, ये बता दें हम कि अभी हम फिलहाल इसको, पहला जो जावा प्रोग्राम हमारा अभी, तो पहले हम इसको अभी जो कर रहे हैं अभी बेसिक हम उस पर करेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे लिख के, क्योंकि अभी हमें बोर्ड पे समझना भी है कि एक एक प्रोग्राम का एक एक पार्ट है वो क्या है, क्या कर रहा है, उसका क्या यूज़ है, क्यों वहाँ पे लिखा जा रहा है, क्या मतलब है उसको लिखने का। अगली बार से हम जब अगली बार लिखेंगे आगे से, जब हम एक छोटा सा एक लेवल पे पहुँच जाएंगे, जब कि जहाँ हमें समझ में आने लगेगा हाँ ये प्रोग्राम हमारा है, ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, इस चीज़ का ये काम, इस फंक्शन का ये काम है, तो हम अपना काम सिस्टम पे स्टार्ट कर देंगे, मतलब लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, आपका जो नॉर्मल आपका लाइव कोडिंग के साथ में कोडिंग जो आपकी रहेगी वो चलती रहेगी, मतलब आप प्रोग्राम लिखना है लाइव वहाँ पे प्रोग्राम लिखा रहेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके प्रोग्राम दिखता रहेगा, उसको हम यहाँ पे देखेंगे एक एक उसका जो पार्ट है उसको समझेंगे और फिर वहाँ पे उसको तुरंत सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराएंगे और हम सीखेंगे कैसे जावा को, कैसे जो हमारा अभी बात की JVM की, जावा वर्चुअल मशीन, वो किसका पार्ट है, वो हमारे जावा के जो रन टाइम एनवायरनमेंट है, मतलब जो एनवायरनमेंट, जो सॉफ्टवेयर की अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मिला के बनाते हैं कि जावा प्रोग्राम आपके पे एग्जीक्यूट कर सके, वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को और जावा डेवलपमेंट किट यानी JDK को कैसे इंस्टॉल करते हैं। JDK याद है ना, हमने अभी पिछली क्लास में हमने देखा था JDK क्या होता है, JDK का मतलब क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। ये क्या है, ये किट मतलब समझिए सॉफ्टवेयर है, कई सारे प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन है कि जो आपको जावा प्रोग्राम्स को बनाने में, जावा प्रोग्राम्स को आपको कंपाइल कराने में, उनको एग्जीक्यूट कराने में आपकी मदद करता है। बिना इसके आप जावा प्रोग्राम्स को कंपाइल नहीं कर सकते अपने सिस्टम पे, और बिना JRE के, दूसरा टर्म क्या था यहाँ पे, JRE क्या है, जावा, J फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट, मतलब कि आपको जावा जो रन करते हैं प्रोग्राम को, उन दोनों को, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इनको आप याद रखिएगा, जावा डेवलपमेंट किट और जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ये क्या दिखाता है यहाँ पे, JDK, जावा रन टाइम एनवायरमेंट और JDK और JRE, इन सबको इंस्टॉल कैसे करेंगे और कैसे अपना अपने जो नोट टेक्स्ट एडिटर होता है हमारा, नोट पैड होगा या कोई VS Code होगा, कोई एक टेक्स्ट एडिटर में कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे, कैसे उसको सेव करके कैसे कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट कराएंगे, अपना प्रोग्राम ये लाइव रन करता देखेंगे हम। फिलहाल के लिए हम बोर्ड पे ये काम करेंगे, ये काम हमारा फिलहाल के लिए अपने बोर्ड पे ही रहेगा, जिससे कि हमारा काम हो हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। तो लिखते हैं, अब आप फिलहाल पहले देखते जाइए जो लिखा है, जो लिख जा रहा है उसको आप देखते जाइए कि क्या लिखा है, आगे हम समझाएंगे इसको कि क्या है और क्या मतलब है इन सबका, क्यों यूज करते हैं इनको।
आप देखें यहाँ पे, एक यहाँ पे समझने की कोशिश करें, आपको कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में यहाँ पे आएंगे। अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग में कुछ जानते हैं, आप उसमें एकदम नूब नहीं हैं, एकदम आप स्टार्टिंग पे नहीं हैं, तो अगर आपको कुछ पता होगा तो आपको समझ में, ये गारंटी है कि आपको समझ में आएगा कि डेट टर्म्स क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, उसी के लिए हम हैं यहाँ पे, उसी के लिए हम यहाँ पे आते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बेसिक से पूरा समझाएं क्या है, एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा, एक एक वर्ड कहाँ पे है, क्यों है, और उसका यूज क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो क्या काम करेगा, वो भी हम समझाएंगे एकदम बेसिक से। तो अभी आपको अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो उसके उससे भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब आप समझने के लिए यहाँ पे आपको बोर नहीं होना पड़ेगा, आपको समझेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, और आप समझ में आएगी कैसे प्रोग्रामिंग, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं पूरा बेसिक। हमारा मैसेज यहाँ पे आप अगर देखें, यहाँ पे मेरे साथ हैं अगर आप, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम अपना मैसेज लिखेंगे, मैसेज क्या है, वेलकम टू, क्या लिखना था, जावा वर्ड, यही मैसेज था ना हमारा, जावा के वर्ड में आपका स्वागत है। एक एक चीज हम समझेंगे कि क्या है यहाँ पे, अभी कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज समझ में आएगी कि क्या चीज है, इसका क्या यूज है, क्यों हम लिख रहे हैं, सब समझ में आएगा। यहाँ पे बस हो गया, यही था हमारा बेसिक प्रोग्राम। अब जरा चलते हैं इसके प्रोसेस, जो मेन प्रोसेस हमारा, जो मेन काम है उसको समझने की। ये क्या है जरा, हम अब आप कलर चेंज करते हैं कि ये मेन प्रोग्राम है हमारा, उसके ऊपर हम लिखेंगे ये चीज मेन समझने के लिए। पब्लिक क्लास वेलकम, ठीक, पब्लिक क्लास वेलकम। इसके बाद एक ये कर्ली ब्रेस है, ये जो कर्ली ब्रेस आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट है, इसको हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, जो प्रिंटिंग में इसे ऐसे प्रिंट होता है, प्रिंट कोने में ये थोड़ा ऐसे प्रिंट होता है, ऐसे, और जब हम लिखते हैं इसको, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा ये वही कर्ली ब्रेस है, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस जो कर्ली होते हैं, मुड़े रहते हैं, क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं ना, एक ऐसे बॉक्स वाला होता है, एक ये ऐसे गोल वाला होता है, और एक इसको ये कहते हैं ये कर्ली वाले, ठीक है, कर्ली वाले। यहाँ पे इसको हम ब्रेसेस बोलेंगे प्रोग्रामिंग में, जब प्रोग्रामिंग में, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं बोलेंगे, हम इनको ब्रेसेस बोलेंगे, और इनको पैरेंथेसिस बोलेंगे, ये जो जो आपके जो छोटे वाले जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेंथेसिस बोलेंगे, और इसे नॉर्मल जो बॉक्स ब्रैकेट रहते हैं उनको बोलेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे है, ये है हमारा पब्लिक क्लास वेलकम लिखा है, उसके नीचे ओपनिंग ब्रेस है, ब्रेस ओपन हो गया, फिर लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, या ऐसे हम वही पैटर्न लेकर यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, जो कि बेसिक पैटर्न आपके आपको किसी भी बुक में मिलेगा। आप इसमें आप चेंजेस मैं अभी दिखाऊंगी, आप चेंज कहाँ कर सकते हैं, आपको चेंज कहाँ कहाँ मिलेगा, अभी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल हम वही यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे बेसिक जो बुक्स में फॉलो होता है, ठीक है, स्ट्रिंग ARGS। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके थोड़ा अलग लिखता हूँ, स्ट्रिंग ARGS, ठीक, ये क्या था, जावा वर्ड, ठीक है, बाकी सही था, स्ट्रिंग ARGS। फिर से एक ब्रेस ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए फिर से एक ब्रेस ओपन हुआ, यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस, और क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, प्रिंट LN। इसकी जगह पे मैं एक चीज चेंज करना चाहूंगा यहाँ पे, अभी के लिए, बस अभी के लिए यहाँ पे मैं क्या चेंज करना चाहूंगा, यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट वेलकम टू जावा वर्ल्ड। फिर उसके बाद में देखिए ब्रेस यहाँ पे खुला था, यहाँ पे बंद हो गया, फिर एक ब्रेस बंद हो गया। आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि देखिए हमने दो बार ब्रेस ओपन किए और दो बार ब्रेस बंद कर दिए, मतलब कि जितने बार ओपन किया उतने बार बंद कर दिया। अब इसको एक बार आप कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसको जो हम एक ब्रेस के अंदर, देखिए एक ब्रेस ये है, इसके अंदर जो कुछ कुछ लिखा होता है उसको हम बोलते हैं एक ब्लॉक। क्या बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम का, हमारा पूरा जावा प्रोग्राम है, और इसको क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक, ये हमारे पूरे प्रोग्राम का एक ब्लॉक है। जैसे ये एक छोटा सा ब्लॉक है, ऊपर एक बड़ा ब्लॉक है ये, जिसके अंदर ये भी लिखा है और ये वाला ब्लॉक खुद लिखा है, ये लाइन हमारी लिखी है ये वाली, और इसके अंदर ये ब्लॉक खुद लिखा है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स, इससे जो स्टार्टिंग एंडिंग से होता है उसे ब्लॉक्स बोलते हैं। ये एक ब्लॉक है और उसके अंदर भी एक ब्लॉक है छोटा वाला। अब इसको हम वर्ड बाई वर्ड समझते हैं क्या मतलब है। अभी फिलहाल ये पब्लिक जो आप लिखा है इस पर आप ध्यान ना दें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा
आपको अभी बेसिक्स सीखना है, हम आगे समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, पब्लिक लिखा है क्या है उसका मतलब, पब्लिक की जगह पे कुछ और भी हो सकता है क्या, क्यों होगा, सब समझेंगे। फिलहाल हम पब्लिक में आपको चाहूंगा आप अभी इग्नोर करें कि पब्लिक आप उसको एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम समझें। पब्लिक का क्या मतलब है, क्लास का मतलब आपको समझ में आया होगा, क्लास मैंने वही कहा था, क्लास हम कैसे बनाते हैं, क्लास क्या है, वही जो ब्लूप्रिंट होती है, एक ब्लूप्रिंट जिससे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अभी हम समझेंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, आगे चल के समझेंगे। क्लास क्या है, यहाँ पे क्लास क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये जो वेलकम लिखा है यहाँ पे, ये चीज जो लिखा है वेलकम, ये वेलकम नाम की एक क्लास है, समझ में आया, ये वेलकम क्लास, वेलकम जो लिखा है इसका क्या मतलब है, ये क्लास है, क्लास वही एक ब्लू प्रिंट जिससे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और क्लास एक जरूरी होता है हर जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम एक रन कराना है, उसमें क्या प्रिंट कराना है, वेलकम टू जावा वर्ल्ड, ठीक है, उसके लिए जो क्लास है क्लास वेलकम, तो क्लास वेलकम क्या दिखाता है कि एक क्लास है हमारी जिसका नाम है वेलकम, जावा की एक क्लास है। ओपनिंग ब्रेस हमारा लगा है, देखिए उसके बराबर में देखिए यहाँ पे मैं क्लोजिंग ब्रेस भी लगा दिया है। ओपनिंग ब्रेस का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमारा एक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर मतलब वो जो ट्रांसलेटर होता है जो हमारे जावा को, जावा के सोर्स कोड को जो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, उसको हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भैया हमारा एक ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो गया। ब्लॉक मतलब एक ऐसा कोड का ऐसा पार्ट जिसके अंदर हम कुछ कर रहे हैं, उसको एज अ सिंगल एंटिटी हम मान रहे हैं। ये पूरा जो है, ये पूरा एक से पूरा यहाँ पे जो ब्लॉक बन गया हमारा, ये पूरा एक सिंगल एंटिटी बन गया, ये पूरा एक एक ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर क्लास का एक पूरा एक में बन गया, हमने ब्लॉक के अंदर से बंद कर दिया। अब ये अलग अलग नहीं है, एक्चुअली में पूरे ओपन एक ही है पूरे, ये जो ब्रेसेस के अंदर बंद है, और ये पूरे को क्या कहेंगे हम, ये वो वेलकम नाम की क्लास है, ये पूरा क्या है, ये वेलकम क्लास है, क्या है, वेलकम क्लास। और इसमें लिखने का तरीका सीधा इसका थोड़ा उल्टा है कि जो वेलकम, जो वेलकम क्लास है तो इसका नाम क्या लिखते हैं, क्लास वेलकम, क्या नाम है इसका, क्लास है ये और उसका नाम क्या है, वेलकम। जैसे क्या लिखेंगे कि एक आदमी है उसका नाम है अमन, सपोज लिख रहे हैं हम आदमी है उसका नाम है अमन या नाम है अजय, तो क्या लिखेंगे, वैसे क्या लिखेंगे हम प्रोग्राम में, लिखेंगे क्या, नेम अजय, है ना, लिखते हैं ना, नेम अजय, इसको यहाँ पे कोलन रहेगा वो अलग बात है। हम इस प्रोग्रामिंग में क्या हमने डिस्कस किया था, मैंने क्या बताया था पिछली क्लासेस में कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपने अलग अलग कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। तो इसमें क्या नियम है कि जो क्लास का नाम होगा यहाँ पे, वो क्लास कीवर्ड, इसे बोलते हैं कीवर्ड, ये जो क्लास है, जो क्लास नाम का वर्ड लिखा है, इसके बाद आएगा क्लास का नाम, और ये पूरी एक सिंगल एंटिटी है जिसे हम कहेंगे वेलकम क्लास है, पूरा ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस देख बंद है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज करना चाहूंगा ये चीज, ताकि आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो ये चीज, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ क्लियरली। क्या लिखा था यहाँ पे, पी लिखा था यहाँ पे, एक क्लोजिंग ओपनिंग था, एक क्लोजिंग था, ठीक, ये चीज थी ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा है पब्लिक, फिर मैं कहूंगा आप पब्लिक को अभी ध्यान ना दीजिए, स्टैटिक भी आप ध्यान अभी ना दीजिए, void main string args, इसका क्या मतलब है, ये भैया एक फंक्शन है। अभी आपको फंक्शन से थोड़ा याद आएगा, फंक्शन क्या थे, वो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो हमारे वेरिएबल से हम डिफाइन करते थे, याद है ना, वो स्टूडेंट में उसके क्या थे एट्रीब्यूट्स, क्या क्या थे, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, रोल नंबर, क्लास, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स थे। और उन एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस कैसे करते थे, मतलब उन पे काम कैसे करते थे, किस तरह से करते थे, याद है, फंक्शंस की मदद से, जो और उन फंक्शंस को क्या कहते थे हम, कि उसके बिहेवियर्स हैं, वो एक रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, और उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं, किसी तरह से वो बिहेव करता है। तो प्रॉपर्टीज को हम वेरिएबल से दिखाते हैं, जो अलग अलग वैल्यूज रहती हैं हमारी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, और उन पे जो फंक्शनैलिटीज हैं, उसकी जो बिहेवियर्स हैं, उनको हम इस फंक्शन से दिखाते हैं, मेथड से दिखाते हैं। क्या था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को क्या हम बोलते हैं, जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं, उनको मेथड्स बोलते हैं। तो ये हमारा मेथड है, फंक्शन है। कैसे समझ में आया, कैसे पता लगा कि ये फंक्शन है, जरा ये देखिए यहाँ पे जो पैरेंथेसिस लगी है, क्या मैंने बताया अभी कि ये जो वाले ब्रेसेस हैं, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, इनको हम पैरेंथेसिस बोलेंगे, इनको ब्रेसेस बोलेंगे, इनको और इसको पैरेंथेसिस बोलेंगे। पैरेंथेसिस
इसका मत तो मैं लिख देता हूँ आपको, शायद और क्लियर हो जाए इससे। पैरेंथेसिस बोलेंगे पी ए आर ई एन टी एच ई एस आई एस, इन्हें क्या बोलेंगे ब्रेसेस, बी आर ए सी ई एस ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेन लिखा है वॉइड मेन, अभी इस पे आप यहाँ पे ये पूरी लाइन देखिए, ये पूरी हमारी फंक्शन की लाइन है, मतलब ये यहाँ पे ये बताती है कि एक फंक्शन है, एक बिहेवियर है उसका, एक फंक्शन है, उसका फंक्शन का नाम क्या है। आपको फिलहाल यहाँ पे यही नोटिस करने की है, यहाँ पे फंक्शन का नाम, ये जो मेन लिखा है, पेंसिल पे करते हैं, ये जो मेन लिखा है, मेन का मतलब क्या है, ये इस फंक्शन का ये जो पूरा लिखा है, ये ब्लॉक के अंदर जो बंद है, ये एक फंक्शन है। अभी आप समझिए क्या है, एक फंक्शन है और उसका नाम क्या है, मेन नाम है। ये जो है पैरेंथेसिस के स्टार्टिंग में जस्ट जो लिखा होता है बाहर पैरेंथेसिस के, वो क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का नाम है, वो फंक्शन का नेम है। तो ये है उस फंक्शन का नेम, क्या है, मेन। और मेन वाला जो फंक्शन है उसके अंदर देखिए फिर से एक ब्लॉक स्टार्ट हो गया ना, ब्लॉक ये है स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेस से। अब इसको पूरा एक फिर एंटिटी है, ये मेन फंक्शन का पार्ट है, ये था ये क्लास का पूरा बॉडी था, इसको बॉडी बोलते हैं, मतलब जो पूरी क्लास थी उसकी बॉडी, मतलब उसके अंदर का पूरा जो उसका बॉडी है क्लास का, वो ये है जो इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस दिखाया गया है। और यहाँ पे ये जो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस है ये क्या दिखा रहे हैं कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है जिसका नाम फंक्शन जो हमारा इसका क्या नाम है, मेन, मेन मतलब मुख्य, वो इसका मुख्य अभी तो दिखाएंगे आगे हम समझेंगे कि मेन इसका नाम क्यों है, इसका जो फंक्शन का नाम मेन है ये उसकी बॉडी अंदर है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी कुछ लिखा है, यहाँ पे भी देखिए कुछ लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आपको यहाँ थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आप हिंट लगा सकते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग से पहले परिचित हैं, आपको इंट्रोडक्शन आप मिल जाए कि प्रोग्रामिंग क्या है, आप किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, जावा के लिए आप न्यू हैं, तो आपको ये तो हल्का समझ में आ जाएगा तुरंत। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग में अभी जरा भी नहीं आए होंगे, आपको इंग्लिश में समझ में आती है, इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, वो समझ, तो आपको यह थोड़ा समझ आएगी कि ये सिस्टम लिखा है और आउट लिखा है और प्रिंट लिखा है, बीच में फुल स्टॉप लगा है, डॉट जिसको हम बोल रहे हैं, मैं जिसको डॉट बोल रहा हूँ, ये डॉट है, ये भी डॉट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसका मतलब यहाँ का आपको कयास जिसे कहते हैं कि अंदाजा लग जाए कि सिस्टम में आउटपुट करने की बात आ रही है, मतलब जो सिस्टम हमारा, जो हमारा स्क्रीन है पूरा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट वर्क करने की बात आ रही है, आउटपुट में प्रिंट करना है हमको, क्या प्रिंट करना है, वेलकम टू जावा वर्ल्ड। समझ में आ गया, यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये क्या दिखा रही है कि आपको आउटपुट देना है, यानी आपको एक प्रिंट करना है। आउटपुट कैसे देना है, जैसे देखिए आप आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, ये जो प्रिंटर नॉर्मल प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है, तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस है ना। यहाँ पे प्रिंट का मतलब वो प्रिंट करने वाला नहीं है जो फिर कागज पे प्रिंट करता है, यहाँ पे आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट का क्या मतलब है कि आप सिस्टम पे जो कंप्यूटर है हमारा उस पे स्क्रीन पे आप प्रिंट कीजिए। तो ये आउटपुट देना है आपको, कैसे आउटपुट देना है, प्रिंट करके, कहाँ प्रिंट करना है, सिस्टम यानी अपने स्क्रीन पे, प्रिंटर पे नहीं प्रिंट करना है, स्क्रीन पे प्रिंट करना है, क्या चीज़ प्रिंट करनी है। अब देखिए प्रिंट करने के लिए फिर हमने ऐसे लिख दिया, ये बनाया, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का पैरेंथेसिस, और ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या लिखा, अब ये आप जान लीजिए कि ये जो लाइन है इसके अंदर आप लिख के क्या लिखेंगे, हम वेलकम टू जावा वर्ल्ड, हमें अपना जो भी मैसेज देना है, जो भी मैसेज प्रिंट करना है उसको ये डबल कोट्स के अंदर, देखिए डबल कोट्स है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, डबल कोट्स के अंदर हमें वो मैसेज लिख देना है, वो मैसेज हमारा जब प्रोग्राम रन करेगा, कंपाइल कराएंगे, रन करेगा, तो वो मैसेज हमारा प्रिंट होके आएगा। क्या मैसेज यहाँ पे प्रिंट आएगा, वेलकम टू जावा वर्ल्ड, ठीक। अभी आपको देखिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, खाली आपको हल्का सा दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे क्लास है आपको समझ में आ रही है, प्रिंट का हो रहा है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर अभी नए हैं प्रोग्रामिंग पे, बिल्कुल हर प्रोग्रामर की बेसिक में स्टार्टिंग में यही कंडीशन होती है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है। और चूंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और जावा को ऐसा माना जाता है कि ये सिंटैक्स इसका जो है ये बाकी लैंग्वेजेस से अलग है, थोड़ा टफ है। क्यों टफ है, यही क्योंकि जावा में सारी फंक्शनैलिटीज, आपको जो सिक्योरिटी वाला फंक्शन है और अलग अलग फंक्शनैलिटीज आई थी, तो जावा को इसीलिए पुरानी लैंग्वेज है, पुरानी जो सारे फंक्शंस हैं उसमें, मतलब जो स्कीम्स जो हमारी चलती हैं कि एक क्लास बनानी है उसके अंदर एक फंक्शन मेन के नाम का फंक्शन बनाना है, उसके अंदर आपको ये प्रिंट वाली लाइन लिखनी है, उसके अंदर मैसेज लिखना है।
आपको अभी घबराने कोई जरूरत नहीं है। आप अभी धीरे धीरे आपकी जो प्रैक्टिस होगी, आप धीरे धीरे एक प्रोग्राम लिखेंगे, दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे, अभी हम इसको रन कराएंगे जब सिस्टम पे, आप वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ का क्या मतलब है और जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब पहले मुझे क्लास वाला लाइन लिखना है, उसके बाद ब्रेसेस ओपन करके ये मेन वाला लाइन लिखना है, उसके बाद ब्रेसेस ओपन करके अपना जो काम करना है यहाँ पे, देखिए हमारा जो मेन काम हो रहा है, जो हमारा हमें क्या करना था, प्रिंट करने वाला, वो काम हमारा यहीं पे हो रहा है। वेलकम टू जावा वर्ल्ड। ठीक, अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई समस्या नहीं, आपको बेसिक ये समझना है, यहाँ पे क्या समझना है कि पब्लिक क्लास वेलकम, यानी वेलकम नाम की एक क्लास है जिसके अंदर, वेलकम नाम की एक क्लास है जिसके अंदर मेन नाम का एक फंक्शन है, स्ट्रिंग एआरजीएस से अभी आपको कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि इसके अंदर एक फंक्शन है, ये चीज जो हम बनाए ना पब्लिक स्टैटिक करके, और उसका फंक्शन का नाम क्या है, मेन, और उस फंक्शन के अंदर हम ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के हम वो प्रिंट कराएंगे मैसेज अपना, फिर से ये पैरेंथेसिस लगाएंगे और डबल कोट्स में अपना मैसेज लिख देंगे, वेलकम टू जावा वर्ल्ड। यही हमारा बेसिक जावा प्रोग्राम था और जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पे हमने एक ब्रेस ओपन किया था इसको दिखाने के लिए, इसकी बॉडी, ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे फिर हमने क्लोज कर दिया, कंपाइलर क्या जानेगा कि हाँ यहाँ पे भाई फंक्शन का बॉडी स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आके फंक्शन का जो बॉडी है वो खत्म हो गया, मतलब फंक्शन का एंड यहाँ पे हो गया, फंक्शन हमारा जो था वो यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं इसको मिटा देता हूँ, फंक्शन जो है हमारा एंड हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा फंक्शन एंड हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर एक और क्लोजिंग ब्रेस है, ये क्या दिखाता है कि हमारी जो पूरी क्लास थी, जो क्लास की बॉडी थी वो भी यहाँ पे आके खत्म हो गई है, यहाँ से क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे आके खत्म हो गई है, यही हमारा बेसिक था। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा, क्लास है उसके अंदर मेन नाम का फंक्शन है, उसके हमारे अंदर ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट है। अब फिर हम आगे, अभी आप हमारा प्रोग्राम में समझ में आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सिस्टम पे पहले हम JDK इंस्टॉल करेंगे। JDK का मतलब जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट यानी वो जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, और फिर उससे रन कराएंगे हम उससे प्रोग्राम को अपना क्लियरली रन कराएंगे, और प्रोग्राम को रन करा के मतलब पहले सेव करेंगे, राइट करके नोटपैड में लिखेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल करके रन कराएंगे, देखेंगे ये मैसेज जो है वेलकम टू जावा वर्ल्ड ये ऐसे प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरह हो रहा है, पूरी अगली फंक्शनैलिटीज अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम पे।